हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा वो यूट्यूब से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख रहे हैं। तो आज के जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊंगा वो यूट्यूब के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं अगर आप यूट्यूब काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो चलिए क्या क्या शॉर्टकट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जे, ठीक है। तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट कीज़ हैं, जे के और एल, ठीक है। जे के और एल। अब जे से क्या होता है, ये जैसे आपका यूट्यूब पे ये आपका वीडियो चल रहा है, जे से आप क्या कर सकते हो, वीडियो 10 सेकेंड पीछे कर सकते हो, बैक कर सकते हो। जैसे मैं जे प्रेस करता हूँ, मैंने जे प्रेस किया तो ये वीडियो 10 सेकेंड पीछे हो गया, ठीक है। और इसी तरह मुझे वीडियो को 10 सेकेंड आगे करना है तो मैं एल प्रेस करूँगा, एल से वीडियो 10 सेकेंड आगे हो रहा है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं वीडियो आगे होते जा रहा है, एल से वीडियो 10 सेकेंड आगे होगा और जे से वीडियो 10 सेकेंड पीछे होगा, बैक होगा। और अगर वीडियो को पॉज करना है तो आप के प्रेस करेंगे, ठीक है। के से वीडियो पॉज भी होगा, प्ले भी होगा, के, ठीक है। के से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जे से आप 10 सेकंड पीछे करेंगे, एल से आप 10 सेकंड आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ, जे से, सॉरी, के से, ठीक है। तो जे के एल, जे से आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करेंगे, के से पॉज करेंगे और एल से 10 सेकंड आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट एरो की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरो कीज़ का भी यूज़ होता है, लेफ्ट एरो आप यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह राइट एरो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और बॉटम डाउन एरो, ये जो एरो कीज़ होती हैं, ठीक है। एरो की से भी आप बैक कर सकते हो, ठीक है। तो चारों एरो की हम यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। अब किस किस एरो की से क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, जैसे इस वीडियो को मैं फिर से प्ले कर देता हूँ, तो वीडियो प्ले करने के लिए के प्रेस किया तो के से प्ले होगा, दूसरी बार के दबाएंगे तो पॉज होगा। तो अब मैं आपको एरो की का यूज़ बता रहा हूँ। जो एरो कीज़ होती हैं, तो लेफ्ट एरो अगर आप प्रेस करते हो तो वीडियो 5 सेकंड पीछे हो जाता है ना, लेफ्ट एरो से 5 सेकंड पीछे होता है, बैक होता है। और राइट एरो से वीडियो 5 सेकंड आगे हो जाएगा, राइट आगे की तरफ आगे होगा 5 सेकंड और लेफ्ट पीछे होगा। और अप डाउन की से क्या होगा, अप डाउन की से आप वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 5 पर वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, 5% इंक्रीज हो जाती है। और पीछे करेंगे अगर बैक, तो वॉल्यूम 5% डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, अप एरो की प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी 5%, और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी 5%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप क्या करेंगे, कैपिटल एम प्रेस, कैपिटल नहीं, कैपिटल या स्मॉल, जैसा भी आप एम प्रेस करते हैं तो आपका जो वीडियो है वो म्यूट हो जाएगा। म्यूट मतलब साउंड, ये आप देखेंगे साउंड इसका ख़त्म हो गया। अनम्यूट करना है तो या तो यहाँ क्लिक कर दें, ये लिखा भी हुआ आ रहा है, आप एम प्रेस कर दें, तो मैंने यहाँ पर एम प्रेस किया तो ये अनम्यूट हो गया। म्यूट अनम्यूट दोनों के लिए एम प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैं 1 प्रेस करता हूं, ठीक है, 1 प्रेस किया तो वीडियो 10% आगे चले जाएगा। और मैं अगर 5 प्रेस करता हूं तो वीडियो 50% आगे चले जाएगा। 9 प्रेस करूंगा तो वीडियो 90% आगे चले जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 9 प्रेस किया तो आप देखेंगे वीडियो 90% आगे हो गया, ठीक है। फोर प्रेस किया तो वीडियो
40% आगे हो गया। तो जो भी आप नंबर वाली की प्रेस करेंगे, 1 तो 10% आगे, 2 तो 20% आगे, ठीक है। तो जो भी आप न्यूमरिक की प्रेस करते हैं, 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3, 4, 5, कोई भी जो न्यूमरिक की है, अप टू 7, 9 तक आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे आप क्या करते हैं, वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, जितना आपको आगे करना है। 10% आगे करना है तो 1 प्रेस कीजिए, 20% आगे करना है तो 2 प्रेस कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो को फुल स्क्रीन में लाना है तो आप F प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे वीडियो फुल स्क्रीन पे आ गया। वापस इसको फुल स्क्रीन से हटाना है तो वापस F प्रेस करें, ठीक है। तो वीडियो को अगर फुल स्क्रीन में लाना है तो आप क्या प्रेस करते हैं, F प्रेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को अगर हमें रीस्टार्ट करना है, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो जाए, तो एक तो जीरो होता है, जीरो से बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए जीरो प्रेस कर दें, ठीक है। 90% से स्टार्ट करना है तो 9 प्रेस कर दें, जीरो प्रेस किया तो बिगनिंग से स्टार्ट हो गया, तो जीरो से क्या होगा, बिगनिंग से आ जाएगा, 0% से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसकी जगह आप होम की का भी प्रेस कर सकते हैं, जीरो के अलावा आप होम की प्रेस करेंगे तब भी आपका वीडियो क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा, मतलब 0% से स्टार्ट होगा, बिगनिंग से। तो मैं होम की प्रेस करता हूँ तब भी मेरा वीडियो जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, बिगनिंग से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल एंड में स्किप करना है, पूरा वीडियो प्ले नहीं करना है, लास्ट में जाना है बिल्कुल एंड पे, ठीक है, वीडियो को स्किप करना है एंड तक, तो आप एंड की प्रेस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले एंड की मैंने प्रेस किया तो ये वीडियो आपका एंड में चले गया। जब वीडियो बिल्कुल स्किप हो जाता है तो आपका ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होते हैं वो आपको दिखते हैं, तो एंड की आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड की आप प्रेस करेंगे वीडियो को एंड तक स्किप करने के लिए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं वीडियो 50% पे आ जाए तो 5 प्रेस कर देंगे, 20% पे आ जाए तो 2 प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सी प्रेस करेंगे, ठीक है, वीडियो में अगर आप सी प्रेस करते हैं तो अगर आपके वीडियो में क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सी सी कहा जाता है, क्लोज्ड कैप्शंस, कैप्शंस अगर होते हैं आपके वीडियो में, इस वाले वीडियो में तो कैप्शन नहीं है, जैसे मैं आपको कोई दूसरा वीडियो दिखाता हूँ, हो सकता है उसमें कैप्शंस दिए हों, इसमें भी नहीं, हाँ इसमें कैप्शंस ये दिए हुए हैं, क्लोज्ड कैप्शंस और ये सबटाइटल जो लिख के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है सीसी को, इसको सीसी कहा जाता है, तो इसके लिए आप सी प्रेस करते हैं, ठीक है। आप सी प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ पे सबटाइटल के फॉर्म में यहाँ पे लिख के आने लगा, ठीक है। अब ये जो सबटाइटल के फॉर्म में लिख के आ रहा है तो ये कैसे आया, आपने सी प्रेस किया, ठीक है। सी की आप अगर प्रेस करते हैं तो ये सबटाइटल के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हुए आएगा, तो इसके लिए की होता है सी। अब ये जो सबटाइटल जो आपको दिख रहे हैं उसको आप, उसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो या इसका साइज आप डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लस की प्रेस करते हो, प्लस आप जो प्लस का साइन होता है एडिशन का, तो उससे आपकी सबटाइटल का जो साइज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। माइनस प्रेस करेंगे तो सबटाइटल का जो साइज है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। मैंने प्लस की प्रेस किया तो सबटाइटल का साइज जो है इंक्रीज होते जा रहा है, और माइनस प्रेस किया तो सबटाइटल का साइज डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो आप प्लस की यूज़ कर सकते हैं, माइनस की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप शिफ्ट, और पहले तो मैं ये लिख देता हूँ प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस के बाद आप शिफ्ट प्लस एन का यूज़ कर सकते हैं। अगर जो प्लेलिस्ट होती है, जैसे आप कोई, कई बार क्या होता है हम कोई प्लेलिस्ट ओपन करते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में क्या होता है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो पे जाना है, तो आप शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे, ठीक है। जो भी प्लेलिस्ट है, कई सारी क्या होती हैं, सीरीज होती हैं, प्लेलिस्ट होती हैं, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो होते हैं, तो प्रीवियस वीडियो पे जाना है उस प्लेलिस्ट में, ठीक है, या फिर
जो पहले आपने वीडियो प्ले किया होगा उस पे वापस जाना है, तो शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे। ठीक है, जैसे मैं शिफ्ट प्लस एन दबा के देखता हूँ, मैंने शिफ्ट प्लस एन दबाया तो नेक्स्ट वीडियो आ गया। फिर मैंने जैसे ये नेक्स्ट वीडियो आपका क्लास 12th का कुछ है, शिफ्ट एन दबाया मैंने तो ये आप देखेंगे क्लास 12th का जो नेक्स्ट वीडियो था वो आ गया। फिर मैं अगर शिफ्ट एन दबाऊंगा तो ये जो आपको दिखा रहा है अप नेक्स्ट लिखा हुआ है JEE मेंस, तो मैंने शिफ्ट एन दबाया तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो प्रीवियस वीडियो पे आ जाएंगे, बट इसका ये प्लेलिस्ट के अंदर नहीं है तो इसीलिए पीछे नहीं जा रहा, और ना प्लेलिस्ट होगी तो वो पीछे भी जाएगा शिफ्ट और पी से। ठीक है, उसके बाद आप स्लेश की जो की होती है, स्लेश की आप प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा है ना, आपको मैं बताता हूँ, स्लेश की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आपका जो कर्जर है वो यहाँ फोकस करेगा सर्च बार में। ठीक है, जो टेक्स्ट कर्जर होता है जब अब हम टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप होते जाएगा। ठीक है, तो स्लेश की आप प्रेस करते हो। ठीक है, जैसे अभी हमारा की यहाँ पे है तो अभी यहाँ पे ये फोकस नहीं कर रहा है, अब मैं स्लेश की प्रेस करता हूँ तो ये कर्जर यहाँ पे फोकस करने लगा। ठीक है, और कर्जर को अब यहाँ से हटाना है, ये यहाँ फोकस कर रहा है, मुझे यहाँ फोकस नहीं करना है, तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा। एस्केप की प्रेस करने से क्या होगा, कर्जर अब वहाँ पे फोकस नहीं करेगा। ठीक है, तो जो यूट्यूब का सर्च बॉक्स होता है उसमें कर्जर का फोकस चाहिए आपको, तो स्लेश प्रेस करेंगे और वहाँ से कर्जर का फोकस हटाना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉमा सिंबल आप अगर प्रेस करेंगे, ठीक है, ये कॉमा का जो सिंबल होता है वो आप प्रेस करेंगे, और जो डॉट होता है, डॉट और कॉमा का मैं यूज़ बताता हूँ। अगर आप कॉमा सिंबल का प्रेस कर सिंबल को प्रेस करेंगे, कॉमा की जो की होती है उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो वीडियो है वो पीछे जाता है। ठीक है, आप देखेंगे वीडियो आपका क्या हो रहा है, पीछे होगा, बैकवर्ड में जाएगा। जैसे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, सपोज़ वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, अब मैं आप देखेंगे मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ तो वीडियो धीरे धीरे आप देखेंगे एक एक फ्रेम पीछे जा रहा है। ठीक है, आप खुद करके देखेंगे, कॉमा का सिंबल आप प्रेस कीजिए तो आपको दिखेगा कि ये देखो ये हाथ आप देख रहे हो, ये जो पर्सन जो है इसके हाथ एक एक स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे हैं, और मैं अगर डॉट प्रेस करता हूँ तो ये फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, वापस आ रहा है, ठीक है, हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और मैं कॉमा प्रेस करूँगा तो हाथ नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, पर फ्रेम ये वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने आज आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाए, और ये सारे के सारे यूट्यूब से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर मुझे कोई और भी शॉर्टकट कीज काफ़ी बेटर लगी जो मुझे बताना चाहिए तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।